किया है। यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने 10 नवंबर को दिल्ली तलब किया है इनको, प्रदूषण को लेकर जो कार्य किए जा रहे हैं उसका विवरण मांगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदूषण के प्रकोप के चलते दिल्ली एनसीआर में जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अब इस मामले का संज्ञान लिया है। यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने 10 नवंबर को दिल्ली इनको तलब किया है और प्रदूषण को लेकर क्या कार्य ये कर रहे हैं उसको लेकर विवरण मांगा गया है। लगातार खराब श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है प्रदूषण का स्तर, फिर वो चाहे दिल्ली के अंदर के एरियाज हो या दिल्ली एनसीआर के रीजन्स हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो या पंजाब हो। तो अब इनके मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया गया है, दिल्ली तलब किया गया है, कार्यों का विवरण मांगा गया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है। नोएडा में आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 516 दर्ज किया। बढ़ते पोल्यूशन के कारण नोएडा के 1 से लेकर 8 तक की जो क्लासेस है उनको 8 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 भी लागू कर दिया गया है, यानी कि जरूरी सामान को छोड़कर दिल्ली में डीजल ट्रक की एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित होगी। इसके साथ ही सभी निर्माण कार्य बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में नवंबर के महीने में पोल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है और हर रोज नए रिकॉर्ड कायम किए जा रहे हैं। आज के AQI की बात करें तो हम आपको दिखाते हैं सफर ऐप के माध्यम से। अगर आज के AQI की बात करें तो आप देख सकते हैं आज का AQI 516 दर्ज किया गया है। 516 बेहद खतरनाक श्रेणी मानी जाती है और इस पोल्यूशन के चलते आप तस्वीरें देखिए नोएडा की, पूरी तरीके से आसमान में धुंध छाई हुई है। जो धूप निकली हुई है वो जमीन तक नहीं पहुंच रही है और पूरी तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो आसमान में छाई हुई है। इस बढ़ते हुए पोल्यूशन को लेकर गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूलों की छुट्टी कर दिया, 8 नवंबर तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए। साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में ग्रेप 4 लागू कर दिया गया है। ग्रेप 4 लागू करने के साथ ही दिल्ली में डीजल के जो ट्रक हैं जो बाहरी राज्यों से वहाँ सामान लेकर पहुंचते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही साथ जो दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल के ट्रक हैं उनके संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। जो निर्माणाधीन साइड हैं, पुल या तमाम जो बहुमंजिला इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है उस पर भी रोक लगा दी गई है। और साथ ही साथ केंद्रीय पॉल्यूशन बोर्ड और उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों का दावा है कि तमाम जो उचित कदम हैं NGT द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन कराना सुनिश्चित किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो अस्पतालों में पहुंचने वाले लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा डॉक्टर भी तमाम तरीके की एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद की हवा भी जहरीली होती जा रही है, लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए नोएडा में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया। ऐसे में गाजियाबाद की जनता भी स्कूलों को बंद करने की प्रशासन से मांग कर रही है। ये क्या है कि जो सूर्य नहीं निकलता ना, उससे पहले पहले तो यहाँ पे होता है गले में प्रॉब्लम काफी होता है। जैसे थोड़ा सूर्य निकल गया तो उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है, पोल्यूशन तो काफी है यहाँ पे। जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको हो रहा है। नोएडा में भी शायद ऑर्डर आ गए 8 तक स्कूल बंद होने के लिए, तो यहाँ पे भी होना चाहिए गाजियाबाद में। बहुत दिक्कत हो रही है, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। अब बड़ों को हो रही है तो बच्चों को आप लगा लीजिए कितना हो रहा होगा। स्कूल बंद होने चाहिए सर, नोएडा के तो बंद हो गए हैं सर, 1 क्लास से 8 क्लास तक बंद हो गए हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के स्कूल। जिस तरीके से आज नोएडा में हमने न्यूज उसमें अखबार में पढ़ा है, ऑनलाइन 8 तक कर दी गई, तो यहाँ के DM से भी हमारी गुजारिश है कि भी वो भी यहाँ बच्चों के जितनी भी कक्षाएं वो सब 8 तक। और चलिए फिलहाल रुके एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटेंगे।